बैक्टीरियाज रोज आते रहते जाते रहते हैं। इसको फाइट करने के लिए कंटिन्यू आर्मी ठहरी हुई है अपनी, थाउजेंड्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स है बॉडी में। और इसका कॉर्नर स्टोन मतलब कोई कोने में नहीं रहता, उन्हें कॉर्नर स्टोन मतलब एक कमान का जो सेंटर का स्टोन रहता है वो है, अगर वो नहीं है तो दैट आर्च विल फॉल डाउन। सो दैट्स व्हाट इज प्रोटीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर प्रोटीन लूज हो रहा सो दैट्स डेंजरस, सो अपनी लाइफ शॉर्ट हो जाती, इम्यूनिटी कम हो जाती, बाहर वाले आके मार देते, खुद ग्रो हो सकते नहीं। तो प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट। ये जब यूरिन में, जब भी आप यूरिन करेंगे अगर उसमें बबल्स दिखना शुरू हो गए तो समझो कि यू आर लूजिंग प्रोटीन। दिस इज वन ऑफ द वेरी अर्लीस्ट साइन कि किडनी का प्रॉब्लम आ चुका है। किडनी रेस्पॉन्ड कैसा कर सकती, 150 ग्राम की ऑर्गन है, कितने ग्राम से किडनी 150 ग्राम्स, इट्स अ वेरी स्मॉल ऑर्गन। But if it starts leaking protein, then it will represent like this. It can leak blood. These are the only two things kidney can leak. Or kidney can break itself and come down. Papillary necrosis बोलते हैं। तो kidney react बहुत कम तरीके से कर सकती। एक protein leak है। तो protein जब leak होता, urine becomes soap-like, चिकना हो जाता, whitish color का हो जाता, and then bubbles आना शुरू होते। यूरिन करे अब ठहर के कोई यूरिन कर रहा तो चांसेस है बबल्स आएंगे, दैट्स नॉट अबनॉर्मल, इट्स नॉर्मल। बट वो बबल्स अगर ठहरे हुए रह रहे, जा रहे ही नहीं, सो देन यू हैव टू थिंक दैट यू आर लूजिंग प्रोटीन। एंड अगर फ्लश कर दिया आप, बबल्स और बढ़ गए, सो देन पक्का पक्का यू आर लूजिंग प्रोटीन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम जो हम सबको पता होना चाहिए एज समबडी वर्किंग इन अ किडनी सेंटर। किडनी रिएक्ट कैसा कर सकती है, किडनी का प्रॉब्लम हो गया तो प्रोटीन लीक। एंड ये प्रॉब्लम कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स टुगेदर एंड देन फाइनली किडनी फेल्स, दैट्स व्हाट हैपेंस। एंड ये कुछ ऑब्जर्वेशन, मैं आज बोलने का कोई बड़ी बात नहीं है, राइट इन 400 BC, आज से 2400 ईयर्स पहले, दिस गाय, इसका नाम कोई जानते क्या, इसका नाम जुनैद भाई किधर है, डॉक्टर साहब, मैडम, जब हम लोग मेडिसिन पास होते तो हमारा को ठहरा के ऐसा ओथ है, फोटो शेयर करता हूँ बाद में आपको, कि ये ओथ लेना रहता है। ओथ का नाम है हिपोक्रेट्स ओथ, इसका नाम हिपोक्रेट्स है, इज द गाय फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं इसको, या फिर जो भी है, बट फिलोसफी मेडिसिन ह्यूमन बीइंग को गौर से समझना, अंडरस्टैंड करना, उसका रेलिवेंस क्रिएट करना, started in 400 BC in the Greek country, Greece बोलते हैं उसको। आज अभी भी लोगों के पुराने बिल्डिंग्स है, जाके देख सकते हैं, a very flourishing civilization. So he was one of the champions of that civilization, Hippocrates. So this guy noted कि जब भी bubbles settle होना शुरू हो गए पेशाब के ऊपर तो समझो kidneys का problem हो चुका है, और ऐसा वैसा नहीं, लंबा problem शुरू हो चुका है, इट्स प्रोट्रैक्टेड, इट्स वेरी लॉन्ग। एंड वो जमाने में ट्रीटमेंट था भी नहीं, इवेंचुअली दैट गाय बबल शुरू हो रहे हैं तो ग्रेवयार्ड में खबर खरीद लेता था उन्हें, क्योंकि मेरा टाइम आ चुका है, प्रिपेयर करता था उन्हें, एटलीस्ट उतना तो स्मार्ट थे, डिनाइल में नहीं थे। आज हमारे पेशेंट्स है, अल्लाह चाह तो हो जाता, प्रैक्टिकल रहना है अपने को। सो ग्रीस में लोग प्रैक्टिकल थे, एटलीस्ट लिखा हुआ है किताबों में, अगर बबल्स आना शुरू हो गए तो उन्हें ग्रेवयार्ड में जगह बुक कर लेता था अपने, क्योंकि वो जमाने में मरना ईजी नहीं था, जैसे आज भी मरना इजी नहीं है, मरते की जियारत छिल्ला छट्टी चैलूम लंबा चल रहा, उन्हें तो चले जाता, बाकी वो खर्चा बड़ा छोड़ के जाता। तो उसी तरह वो जमाने में उन्हें मर गया, उसके पास दो चांदी के सिक्के नहीं आंखों में रखने के लिए, तो उसको दफनाते भी नहीं थे, रोड पे पड़ा हुआ रहता था, उन्हें चीला खाते थे उसको, तो उन्हें प्रिपरेशन करता था, मेरे को मरना है तो मेरे को दो सिक्के रखना है आंखों पे, द ट्रैवलर्स मैन बोलते थे, पुराने मूवीज देखे तो मिलता आपको, आज हिंदू कम्युनिटी में यमदूत बोलते हैं उसको, जो भी है यमराज बोलते हैं, व्हाटएवर इट इज, सो दिस सिचुएशन इज देयर। तो एक ट्रैवल रूह को लेकर जाने वाले आदमी को दो सिक्के देते थे, तो हिपोक्रेट्स नोटेड दैट इन 400 BC। तो आज भी अपन यूरिन को गौर करना है, एंड वो जमाने में अभी भी ऐसे फिजिशियंस है कि जो है 24 घंटे का पेशाब जमा करके लेके आओ बोलते, कलेक्ट 24 आवर्स यूरिन लेके आओ और उसको देखते, और एक पर्टिकुलर होल्डर में देखते थे, वो होल्डर का नाम था मैटुला। ये फिजिशियंस देख रहे हैं, पुराने किताबों में फोटोज है ये लोग के, कि यूरिन देख के बोलते थे कि आपका बॉडी का सिचुएशन क्या है, क्योंकि आप
खा रहे हैं क्या, आप पी रहे हैं क्या, आपके बाई प्रोडक्ट से पता चलता है। तो यूरिन इज नॉट अ सिंपल टेस्ट जो इमाद कर दे रहा 100 रुपए में, समथिंग वेरी प्रेशियस। हमारे वास्ते तो यूरिन इज गोल्ड। सो यूरिन को देखते थे, यूरिन देखने की हैबिट डालना है। एंड कई सारे कलर्स आते यूरिन में, जितने मैं देखा ग्रीन पर्पल। रिसेंटली आफ्टर मैडम के पास पेशेंट आ गया, ग्रीन यूरिन लेके आ गया। तो ये सब कलर्स आते यूरिन में, इसका सब मीनिंग्स है, इसको अपन कभी बाद में डिस्कस करेंगे। कितने कलर्स है, मोर कलर्स, रेनबो में कम है, यूरिन में उतने कलर्स निकल सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है आप खाते क्या, पीते क्या, आपके अंदर बैक्टीरिया क्या आ रहा, आपके अंदर दवाई क्या जा रही, मौसम क्या है, टाइम क्या है, इट इज वेरी पर्टिकुलर। तो अपना यूरिन आप गौर करेंगे, आप अपने आप को समझेंगे। व्हेन यू यूरिनेट प्लीज यूरिन को देखो, हो सका तो बॉटल में करके देखो। एक दो महीना करेंगे ना आपको, आपको समझ में आ जाएगा, मैं चिकन खाया तो ये होता, दाल खाया तो ये होता, पानी पिया तो ये होता, थम्सअप पिया तो ये होता, फर्क आ जाएगा। ट्राई टू बी कीन। तो यूरिन देखने का एक आर्ट था जो सेंचुरी से चलते हुए आ रहा। एंड 17th century में समवेयर डोमिनिको साइंटिस्ट है, ही फाउंड आउट कि प्रोटीन तो एक ग्रॉस टर्म है, आखिर ये बबल्स आ रहे हैं तो प्रोटीन से आ रहे हैं, तो प्रोटीन में भी क्या प्रोटीन है, रिफाइन होते जा रहे हैं अपन पहले से आज तक। एंड बिटवीन दिस 17th-18th century दे फाउंड आउट दैट एल्बुमिन इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, एल्बुमिन। सो एल्बुमिन इज द प्रीडोमिनेंट प्रोटीन। जब ये लीक होना शुरू होता है तो समझो कि किडनी का फिल्टर खराब हो चुका है। इज द गाय, क्रेडिट गोज टू डोमिनिको। सो प्रोटीन लीक होना इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री चल रही है तो धुआं तो निकलेगा, तो प्रोटीन लीक इज नॉर्मल। बट एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल, देयर इज अ लिमिट टू दैट, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। सो प्रोटीन 150 मिलीग्राम्स अगर लीक हो रहा 24 आवर्स में, सो दैट इज नॉर्मल। इसीलिए थोड़े बहुत बबल्स आए, पानी ऐसा फेंके तो बबल्स नहीं आते, यूरिन करते बबल्स, पर प्रोटीन रहता है उसमें। सो 150 मिलीग्राम इज नॉर्मल एंड उसमें 20% एल्बुमिन रहता, रिमेनिंग आर डिफरेंट प्रोटीन्स, टैम हॉर्सफेल प्रोटीन, यूरोमोडुलिन, थोड़े प्रोटीन्स किडनी के सेल्स खुद बनाते हैं। सो बट एल्बुमिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट प्रोटीन, सबसे बड़ा है। उसका साइज क्या है, 60 डाल्टन, किलो डाल्टन इसका वेट है, इट्स अ बिग प्रोटीन। डायलिसिस में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं वो लोग को मालूम होना है कि एल्बुमिन का वेट क्या है, क्योंकि डायलिसर को जब भी अपन बनाते कंपेयर करते हैं एल्बुमिन के साथ, बड़ा मॉलिक्यूल है गुजरेगा नहीं। यूरिया का कितना है, क्रिएटिन का कितना है, 113 क्रिएटिन का, यूरिया का 60 है। अपने को मालूम होना है, दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि व्हाट मॉलिक्यूल कैन क्रॉस द डायलिसिस मेम्ब्रेन। तो ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा रहता, हैवी रहता, हाथी के वैसा रहता, गुजरता नहीं नकेल में से, लेकिन जब ये गुजरना शुरू हो गया तो समझो वो सुराख बड़ा हो गया एंड देन किडनी का फिल्टर खराब हो जाता आहिस्ता आहिस्ता। सो प्रोटीन लीक इंपॉर्टेंट इसीलिए है, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्कर ऑफ किडनी इंजरी। एंड जितना ज्यादा प्रोटीन लीक होते रहता उतना जल्दी किडनी खराब होती रहती। अगर किसी का प्रोटीन 300 मिलीग्राम्स लीक हो रहा तो चांस किडनी खराब होने का कम है बनिस्बत उसके जिसका 3000 मिलीग्राम्स लीक हो रहा है। सो मोर द प्रोटीन लीक द मोर द डैमेज टू द किडनी। एक बार एक लॉरी गुजर गई सामने के रोड से, हमारे अभी तक गड़े पड़े हुए हैं, अगर वो लॉरी 10 बार गुजर जाती थी तो रोड छलने के लायक नहीं रहती थी। सो प्रोटीन जब निकलना शुरू होता किडनी के बारीक ट्यूब्स को डैमेज करना शुरू होता, ट्यूब्यूल्स डैमेज हो जाते, वेसल्स डैमेज हो जाते, किडनी श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती। सो इट इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर। तो हमारा ट्रीटमेंट जो भी रहता किडनी डिजीज का, वी ऑलवेज लुक एट यूरिन, CUE कराओ, स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएटिन रेशियो कराओ, 24 यूरिन प्रोटीन कराओ, कैसा ये प्रोटीन के लीक को कम करना, दिस इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट मार्कर। जितना प्रोटीन लीक कम हो गया उतना किडनी का डैमेज होने का चांस कम हो जाएगा। एंड अगर प्रोटीन लीक हो रहा तो चांस ऑफ हार्ट अटैक इज वेरी हाई, क्योंकि इसका मतलब सेल्स वीक हो गए, सेल्स की बाइंडिंग खराब हो गई। ये सब इंडिकेटर्स है, मतलब ऐसा इंडिकेटर है कि अगर मैं यहां से देख के बोला कि झाड़ हिल रहा है तो आप क्या समझेंगे, हवा चल रही, उतना ही समझ में आता है किसी को भी, लेकिन ये फील करे बगैर अपन देख के बोलना है। सो प्रोटीन लीक हो रहा मतलब सेल्स की बाइंडिंग खराब हो गई, कभी भी ब्लड कहीं भी क्लॉट हो सकता। जिसको किडनी डिजीज है, जिसको प्रोटीन लीक हो रहा, उसका चांस हार्ट अटैक का बहुत बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता कि 100 पीपल को किडनी डिजीज है तो डायलिसिस के स्टेज तक
सिर्फ 30 पहुंचते हैं, 70 हार्ट अटैक से चले जाते हैं। तो डायलिसिस पेशेंट को सडनली अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि एक 20 साल का आदमी जो डायलिसिस पे है इज समवन लाइक एन 80 ईयर ओल्ड पर्सन। दोनों सेम है हमारे नज़र में, दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है। 80 साल का आदमी मर गया तो घबराते क्या आप? नई बात है बोलते क्या आप? सो डायलिसिस पेशेंट बहुत प्रेशियस है, वी शुड टेक केयर ऑफ दैम। एनी टाइम हार्ट अटैक हो सकता है लोगों को, क्योंकि लोगों का किडनी फेल हुआ, प्रोटीन लीक होते होते पहले ही हार्ट का प्रॉब्लम, उसके ऊपर किडनी का प्रॉब्लम, एनी टाइम। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। सो डायलिसिस पेशेंट्स को डायलिसिस पे टाइम पे आओ, डिसिप्लिन, वी शुड इंकरेज दैट। सो रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड प्रोटीन लीक होना एक है, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत रह सकते हैं, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। जितना ज्यादा प्रोटीन लीक हो रहा अलग अलग प्रॉब्लम्स, कम हो रहा अलग प्रॉब्लम, प्रोटीन के साथ ब्लड आ रहा यूरिन में अलग प्रॉब्लम, ज्यादा ब्लड जा रहा अलग प्रॉब्लम। ये मालूम करने के लिए तो हम लोग किडनी का बायोप्सी करते हैं, क्योंकि किडनी दिखती नहीं, इनडायरेक्टली ये सब डिस्कशन कर सकते हैं बैठ के। पेशेंट्स पूछते हैं डॉक्टर साहब आपका अंदाजा तो बोलो, अब कहाँ समझाएंगे उसको, 26 साल की पढ़ाई 5 मिनट में कहाँ समझा सकते हैं अपन। बायोप्सी करना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता, देख रहे भाई नहीं मालूम मेरे को, आई रियली डोंट नो, वी कैन गेस ये हो सकता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगा, या फिर हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी होगा, मोस्ट कॉमन डिजीजेस है, या मेम्ब्रेनस होगा, या IgA होगा, यंग पेशेंट मोस्ट, वी डोंट नो, दैट्स व्हाई वी डू द बायोप्सी। बायोप्सी का मेन इंडिकेशन है प्रोटीन लीक, क्योंकि किडनी का फिल्टर अपने को आंखों से दिखता नहीं। किडनी का फिल्टर कैसा दिखता? समथिंग लाइक दिस, यही है किडनी की पूरी कहानी इतनी है। 4 सेल्स पे डिपेंड है, ओनली 4 सेल्स। 150 ग्राम का किडनी, उसके अंदर 10 लाख नेफ्रॉन्स, 10 लाख ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के अंदर 4 सेल्स। किडनी का रिएक्शन इतना ही रह सकता है, उन्हें नाराज हो गई तो खाली अपना सुराख बंद कर ले सकती है, उन्हें चारों में से एक, उतने ऑप्शंस उसके पास। एक ये है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसको कवर करने वाला सेल है पोडोसाइट, और यहाँ से ब्लड पास होता है, इसको कवर करने वाला सेल है एंडोथेलियम, एंड ये पूरा पैकेजिंग पकड़ने वाला सेल है मेसेंजियम, इसके अंदर सेल्स रहते हैं, 4 सेल्स हैं, एंड द होल थिंग, बाहर का भी सेल है, पैरेटल सेल बोलते हैं उसको। दीज आर द ओनली थिंग्स किडनी कैन वर्क। अगर ये सेल्स बढ़ना शुरू हो गए, किडनी नाराज हो गई, कुछ इन्फेक्शन आ गया, पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, या फिर इन्फेक्शन रिलेटेड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, क्रेसेंट्स बन गए, किडनी की इमरजेंसी, साल में 5-6 केसेस मिलते हैं वैसा, इट्स एन इमरजेंसी, ये सेल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिल्ट्रेशन खत्म हो जाता है, ट्रीट करना है, इंपॉर्टेंट है, ट्रीट नहीं करेंगे तो किडनी फेल हो जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। ये सेल्स बढ़ना शुरू हो गए, अगेन ट्रीट करना है। बट ये कोई भी सेल्स बढ़ो, यूरिन में मिलेगा प्रोटीन, तो प्रोटीन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये छोटा मोटा स्ट्रक्चर नहीं है, ऊपर वाला कोई छोटा मोटा काम नहीं करता, हमारे वैसा नहीं है, काम करके गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, परफेक्ट काम रहता, लुक एट द जॉब। इसके अंदर 10 लाख फिल्टर्स हैं, ऐसा किडनी दिखती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखे तो, ये एक सेल है ऐसा कवर करके बैठा है, मल्टीपल टेंटिकल्स है, ऑक्टोपस से भी ज्यादा 11 मैकेनिज्म है। इसको अगर सीधा करेंगे तो वर्ल्ड को 100 टाइम्स फिरा सकते हैं, 100 टाइम्स, 150 ग्राम्स के अंदर कैद है कुदरत। सो ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो आप अभी फोटो देखे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एंड ये जो सेल्स है बाहर से आके इन्हें पकड़ रहा है, अंदर से ब्लड फ्लो होते रहता, कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता। सो जस्ट इमेजिन ऐसे एक किडनी के अंदर 1 मिलियन, दूसरी किडनी के अंदर अनदर मिलियन, टोटल मिला के 2 मिलियन ऐसे सेल्स हैं। एंड ये सब का काम क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालना, जिसका नाम है क्रिएटिनिन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कल्प्रिट। पेशेंट्स अपने पास क्या लेके आते हैं? डॉक्टर साहब क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन बढ़ गया तो हम क्या बोलते हैं? आपकी किडनी वीक हो गई, GFR कम हो गया। थैंक्स टू विजय आजकल GFR दे दे रहा हूँ, हेडेक ही नहीं आ रहा अपना, पेशेंट समझ के आ रहा पहले से किडनी खराब है डॉक्टर साहब में। तो क्रिएटिनिन से पता चलता है किडनी का फंक्शन कैसा है। तो सेकेंड थिंग इज, अगर ये फिल्टर में खराबी आ गई, एक तो क्रिएटिनिन बढ़ता है, सेकेंड प्रोटीन लीक होता है। तो प्रोटीन लीक हो गया मतलब इंटेग्रिटी ऑफ दिस फिल्टर इज गॉन। जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, ये बॉर्डर इनफिल्ट्रेट होना स्टार्ट हो गया, चीज अंदर भी आ रहे हैं बाहर भी जा रहे हैं, इंटेग्रिटी खत्म हो जाती है, तो बॉडी एट थ्रेट आ जाती है, किडनी खराब हो सकती है।
सो जब फिल्टर का प्रॉब्लम होता है दो चीजें होती है, एक तो क्रिएटिन बढ़ना शुरू होता, सेकंड प्रोटीन लीक होना स्टार्ट होता। क्रिएटिन बढ़ना लेटर शुरू होता, प्रोटीन लीक होना कई साल पहले शुरू हो जाता। अरे डॉक्टर साहब मैं कल तक अच्छा था, थे भैया यूरिन में कफ आ रहा था क्या, 6 साल से आ रहा हुआ तो उसमें क्या हैरत की बात है, मैं ठहर के मुंह तो, अरे कुछ भी कर ले रहे भाई, बबल्स कई को आते हैं, एक एक घंटे तक ठहरा हुआ क्यों है, बाद में उसकी बीवी जा रही है अभी तो फ्लश नहीं करे क्या साहब आप, अरे मैं भूल गया क्या क्या बोलना, बोले ये कॉमन है, आप पूछेंगे बारीकियों में तो बोलेंगे आपको। तो प्रोटीन लीक होना इज वन ऑफ द अर्ली मार्कर, ये टाइम पे जब कैच करते हैं इसको ट्रीट कर सकते हैं। और ये सेल्स दिखने को इतना छोटा दिख रहा है लेकिन इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी दास्तान है, जिसको कभी बाद में प्रॉबेबली ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है डिस्कस करने के लिए, इसके अंदर कितने बारीक 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 प्रोटीन्स बने हुए हैं, एक्टिन है, फिलामेंट है, नेफ्रिन है, पोडोसिन है, यू जस्ट कांट इन्यूमरेट देम, 300 प्लस प्रोटीन से खाली। अंडरस्टैंड की प्रोटीन को क्लासिफाई कैसा करते हैं, इट्स क्लासिफाइड इनटू फोर वेज। पहली चीज, प्रोटीन अगर लीक हो रहा है तो ग्लोमेरुलस से लीक होता है, विच इज द हेड, अभी जो बता रहा था मैं, वहां से लीक होता है। वहां से लीक हुआ तो बायोप्सी मैंडेटरी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, 90% ऑफ द टाइम्स लीक होता है ग्लोमेरुलस से, उसके बाद भी प्रोटीन लीक हो सकता है। फ्राइट फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स, फिल्टर होने के बाद छोटे छोटे ट्यूब्स रहते हैं नेफ्रॉन के, वहाँ से ब्लड पास होता है, यूरिन पास होता है, वहाँ से जब यहाँ से लीक होना शुरू होता तो प्रोटीन लीक यूजली इज लेस देन 2 grams, 2000 milligrams के अंदर रहता। एंड ओवरफ्लो प्रोटीन मतलब सेल्स में प्रोटीन बन रहा है, कैंसर है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा बनना शुरू हो रही, कैंसर बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इज माइलोमा, अपने पास एक पेशेंट अपन बायोप्सी करे, कैंसर है, सेल्स बन रहे ओवरफ्लो हो रहा है, लीक होना शुरू हो जाता है। किडनी कितना फिल्टर कर सकती करती है उसके ऊपर नहीं कर सक रही, फ्लो हो जाता है ऊपर, ओवरफ्लो प्रोटीनुरिया बोलते हैं। इसको डिपस्टिक में नहीं पकड़ सकते क्योंकि एल्बुमिन नहीं है, स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएटिन इशू नहीं करा सकते क्योंकि ये एल्बुमिन नहीं है, अपने को 24 यूरिन प्रोटीन कराना है। सेक्रेटरी प्रोटीनुरिया भी रहता, पेशाब की थैली में, ब्लैडर में ट्यूमर बन जाता, ब्लैडर मास, उसमें से प्रोटीन लीक होते रहते, यूजुअली 1 gram के अंदर रहता, 1000 milligram के अंदर रहता। सो द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीनुरिया इज इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू क्लासिफाई प्रोटीनुरिया डिपेंडिंग ऑन द साइट, कहाँ से हो रहा, किधर से हो रहा, क्यों हो रहा, वो सब अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेकेंड इज कितना हो रहा, ऐसा भी क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज माइक्रोस्कोपिक, इसको मॉडरेटली इंक्रीज बोलते हैं। नॉर्मल कितना है प्रोटीन लीक, क्या आसिफ कितना नॉर्मल कितना होता प्रोटीन लीक, 150 क्या है केजी, मिलीग्राम, फैंटास्टिक। यूनिट इंपॉर्टेंट है, जब तक यूनिट नहीं बोले तो मजा ही क्या है, रुपीज है यहाँ पे, डॉलर थोड़ी चल रहा है। तो माइक्रोस्कोपिक मींस 150 मिलीग्राम टू 300 मिलीग्राम, इसको यूरिन डिपस्टिक में जो आप लोग करते हैं CUE में अपने पास, डिटेक्ट नहीं होता, नेगेटिव बताता है, ट्रेस बताता है, लेकिन किडनी प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू कैच अ किडनी डिजीज एंड रिवर्स इट, रिवर्सेबल स्टेज है, 100% क्यूरेबल है, सिम्टम्स ही नहीं आते और डिपस्टिक में पकड़े भी नहीं जाता, इसलिए उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, खास देखना पड़ता। या फिर एल्बुमिन जो लीक 20% बताया मैं, एल्बुमिन लीक बढ़ना शुरू हो जाता है, सो यू डू एन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो ये करे या 24 आवर यूरिन प्रोटीन करे, इट कम्स ऑन द हायर साइड, देन वी कैन ट्रीट इट। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ दैट इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक पेशेंट तो साल में एक बार कैसा भी करा, एक बार प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो तो कई सारे मेडिसिन है विच कैन रिवर्स एंड प्रोटेक्ट किडनी फ्रॉम फेलिंग फॉर एवर। तो माइक्रोस्कोपिक को रिवर्स कर सकते हैं अर्ली डायग्नोसिस। एनी डायबिटिक साल में एक बार ACR कराना, क्या कराना, एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, अगर मोर देन 30 है तो ड्रग्स आर देयर टू रिवर्स इट। मैक्रोस्कोपिक टर्म, मैक्रोस्कोपिक क्यों आया, पहले वाला दिखता नहीं था, ये वाला डुबा के देखे तो दिखता है, मोर देन 300 मिलीग्राम जा रहा है, 300 to 3000 मिलीग्राम, इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। या फिर सीवियरली इंक्रीज्ड प्रोटीनुरिया, ये प्रोटीनुरिया ये पॉइंट पे अगर आप कैच करेंगे, क्रिएटिन बढ़ा नहीं अभी, अभी क्रिएटिन बढ़ने का बहुत टाइम है, अभी तो प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हुआ है, अभी ट्रेलर रिलीज हुआ, पिक्चर को बैन किया जा सकता है, अभी रिलीज होने से रोक सकता है, लेकिन ये टाइम भी मिस हो जाता है। तो ये भी साल में एक बार कैसा भी हर कोई कराना, आई थिंक सो CUE अगर डिपस्टिक में मिल गया, एटलीस्ट इसका 100% क्यूर कई बार पॉसिबल नहीं है,
लेकिन कंट्रोल तो पॉसिबल है, इसका क्रिएटिन बढ़ेगा नहीं, डायलिसिस पे जाएगा नहीं। तो यूरिन वेरी चीप टेस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट, सेव्स लाख्स ऑफ रुपीस टू द हेल्थ इंडस्ट्री। तो माइक्रोस्कोपिक अगर डिटेक्ट हो रहा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और करना कुछ भी नहीं है, खाली यूरिन देना, डुबा के देख के बोल देते हैं इमाद भाई अपने एक सेकंड में क्या है बोल के। नेफ्रोटिक, नेफ्रोटिक मीन्स मोर देन 3000 मिलीग्राम, हेवी लीक हो रहा, हेवी मैसिव 3500 7000 20 ग्राम्स तक लीक होता है, 25 ग्राम्स तक लीक होता है, इवेंचुअली इतना लीक होना शुरू हो जाता कि ब्लड का प्रोटीन कम हो जाता, अपने ब्लड में प्रोटीन है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कम हो जाता। LFT करके देखो तो एल्बुमिन कम रहता, जब एल्बुमिन कम होता है तो स्वेलिंग आना शुरू हो जाती बॉडी में, फेस पे स्वेलिंग, हाथों में स्वेलिंग, बबल्स आ जाते, क्यों? क्योंकि प्रोटीन कम हो गया। लोग समझते प्रोटीन कम हो गया तो प्रोटीन और खाना है, वैसा नहीं है भाई, और खाएंगे और लीक होगा। एक आदमी जुए की आदत लग गई उसको, उन्हें और कमारा और जुआ खेल रहा, तो ऐसे सिचुएशन में प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट द प्रोटीन, कम कमाएंगे कम खेलेंगे जुआ उन्हें। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ट्रीटमेंट इज लोअर प्रोटीन इनटेक, तो स्वेलिंग आ जाता है, प्रोटीन कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को आप देखें तो फेस पे वाइट पैचेस आ जाते हैं, आँख के नीचे, कान के पास, नाखून देखे तो एक वाइट लाइन पड़ जाती है, ऐसी आड़ी ऐसा स्टैम्प पड़ जाता ना, पहले के ज़माने में बादशाहों के घोड़ों पे स्टैम्प रहता था, ये रॉयल घोड़ा है। तो किडनी का जब प्रोटीन दबा के लीक होना शुरू हो जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता, ऊपर वाला उस नाखून में एक स्टैम्प लगा देता, जल्दी आने वाला है मेरे पास। तो ये प्रोटीन लीक को डिटेक्ट करने के साइंस है, इसको ये स्टेज तक जो लोग लेके चले जाते हैं इग्नोरेंस की वजह से, गलती अपनी है, अपन उन लोग को बताए नहीं, मालूम होता तो कोई अलग बात रहती थी। तो अपने को पढ़ना है, मालूम करना है, लोगों को बताना है, ताकि उनको किडनी का डिजीज अगर हो तो अर्ली स्टेज में पकड़े, उसको रिवर्स कर सकते, क्योर कर सकते, लास्ट स्टेजेस में डायलिसिस का रास्ता बता देना पड़ता, क्या कर सकते, मजबूर है अपन। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में लीवर क्या करता, प्रोटीन बनाने की कोशिश करता और प्रोटीन बनाते रहता, बनाने के चक्कर में कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता, इट्स अ बाय प्रोडक्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन बनाने के लिए प्रोडक्शन के लिए बनाते रहता, कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से पेशेंटों का भी हार्ट हो सकता, फालिज का अटैक हो सकता। कितने पेशेंट हमारे पास, पहले हार्ट हुआ, पहले फालिज का अटैक हुआ, ये हुआ, स्टेंटान पड़े हुए हैं, ओपन हार्ट करे हुए हैं, ये सब, ये लोग को प्रॉब्लम हार्ट का नहीं था, ब्रेन का नहीं था, शुरू हुआ सालों पहले प्रोटीन लीक की वजह से। सो यूरिन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैनेजमेंट क्या है, प्रोटीन लीक हुआ तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज मालूम करना है, अंधाधुन गोलियां तो नहीं चला सकते। आपको बुखार आ गया, आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले गए, उन्हें दवा लिख देता, डोलो 650 खा लो आप, तीन चार दिन हो जाते, वायरल फीवर है खत्म हो जाता, आप भी हैप्पी, उन्हें भी हैप्पी। लेकिन प्रोटीन का केस ऐसा नहीं है, प्रोटीन का केस दवा लिखते हैं महीने दो महीने में यूजुअली कम नहीं होता, बिकॉज कॉजेस 35 एंड मोर है, कितने हैं 35 एंड मोर, उसमें से 11 का ट्रीटमेंट भी नहीं है। तो वी नीड टू नो द कॉज, उसको मालूम रहना उन्हें कौन सी किश्ती में है, हमारे को मालूम रहना हमारा मंजिल क्या है, हम इसको कहाँ लेके जाना है। तो पेशेंट को कन्विंस करना टू गेट एन अर्ली किडनी बायोप्सी डन, बायोप्सी सेफ टेस्ट है, इट्स अ वेरी सेफ टेस्ट, इट्स समथिंग लाइक अगेन फीवर का एग्जाम्पल है, मेरे को फीवर है, मजहर भाई को बुखार है, आकिब साहब को बुखार है, मेरे को जो है लंग का इन्फेक्शन है, मजहर में यूरिन का इन्फेक्शन है, आकिब साहब को जो है स्किन का इन्फेक्शन है, तीनों की दवा सेम रह सकती क्या, अलग अलग किस्म का बुखार है, उसी तरह हर प्रोटीन का हर क्रिएटिनिन का सेम दवा नहीं रह सकती, एक मिसकंसेप्शन है क्रिएटिनिन की दवा दे दो बोल के, हम क्यों बैठे हुए यार, हम लोग सब 500 रुपये डाल के दवा लेके चले जाते थे नीचे से, वैसा नहीं है, समझाना, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, समझाना है। तो कॉज मालूम करने के लिए बायोप्सी को पेशेंट्स डरते हैं, डरने की जरूरत नहीं रहती, बेसिकली इट्स जस्ट समथिंग लाइक जैसा सुई चुबा के खून निकालते हैं, उसी तरह एक नीडल, वही नीडल रहती किडनी में जाती है, छोटा सा फिल्टर माइक्रोस्कोपिक जो आँख से दिखता भी नहीं वो निकलता है, कॉज मालूम पड़ता अपने को, कॉज मालूम पड़ा तो डेस्टिनेशन मालूम पड़ता अपने को, सफर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसका अंदाजा लगा सकते हैं, मालूम होता हम कौन सी ट्रेन में बैठे हुए हैं, बेंगलुरु जा रहे हैं या दिल्ली जा रही, सडनली बॉम्बे निकल जा रहे हैं कहते, ऐसा नहीं होता। सो वी नीड टू नो द कॉज। सेकंड, ड्रग्स, ड्रग्स कैन डेफिनेटली हेल्प,
बट दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव अनलेस वी नो द कॉज। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग चंद ड्रग्स याद रखना कि ये ड्रग्स हैं जो प्रोटीन को कम करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉज। जैसे कि फीवर है तो डोलो दे ही देते हैं, टीबी का बुखार रहो, यूरिन इन्फेक्शन रहो, लंग इन्फेक्शन रहो, कोविड रहो, कौन सा भी फीवर रहो, डोलो तो लगता ही है कॉमन। उसी तरह एक दो ड्रग्स तो याद रखना, एक तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या एस इनहिबिटर्स बोलते हैं, वेरी कॉमन ड्रग इज टेलमिसार्टन, एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये आप लोग याद रखना, ये कॉमनली यूज्ड है अपने प्रिस्क्रिप्शन में, मैं लिखता हूँ तो टेलमिसार्टन जब भी लिखते हैं बीपी की दवाई है बोल के नहीं समझना, जिस नीयत से गोली चलाई जाती है असर वो रखती। पुलिस वाला चलाओ, डाकू चलाओ, दोनों का असर सेम नहीं रहता, अलग अलग रहता। ब्लेड डॉक्टर चलाओ, डाकू चलाओ, फर्क रहता नतीजे में। तो जब नीयत प्रोटीन से लिखते हैं तो प्रोटीन कम होता है, बीपी की नीयत से लिखते हैं तो बीपी कम होता है, लिखने वाले के हाथ में वो कमाल है। तो ये ड्रग याद रखना टेलमिसार्टन, ये प्रोटीन लीक कम करने के लिए लिखते हैं, बीपी के लिए नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिर्फ प्रोटीन के लिए लिखते हैं। बीपी के लिए बहुत सारे मेडिसिन, हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्रग इज टेलमिसार्टन, कॉमनली रिटन। सेकेंड ड्रग इज डापाग्लिफ्लोजिन। क्या है डापाग्लिफ्लोजिन? SGLT2, ये मैजिक ड्रग ऑफ द सेंचुरी है डापाग्लिफ्लोजिन। ये ड्रग जब लॉन्च हुआ 2017 में, एनी ड्रग विच कम्स इन द मार्केट हैज टू पास अ रिगरस टेस्ट इन अमेरिका, USFDA अप्रूवल लेने के लिए। एक साल में ये अप्रूवल दे दिए, क्यों? क्योंकि ये लोग ब्लाइंड करते हैं, आधे लोगों को ड्रग दे दें आधे लोगों को नहीं देते। जिसको ड्रग दिए 66% रिडक्शन इन हार्ट अटैक्स हो गया, इट्स अ वेरी हार्ट फ्रेंडली ड्रग। सेकेंड, जिसको ड्रग दिए डायलिसिस जाने का चांस 50% कम हो गया। थर्ड, जिसको ड्रग दिए उसका वेट लॉस 10% का हो गया। फोर्थ, जिसको ड्रग दिए डबलिंग ऑफ क्रिएटिनिन का चांस 33% कम हो गया। सो SGLT2 इनहिबिटर्स डापाग्लिफ्लोजिन, अपने पास डापा सेल बोल के अवेलेबल है, इट इज द मैजिक ड्रग ऑफ द सेंचुरी। मिलेनियम का दूसरा ड्रग है, आर नहीं बोलते उसको, कभी बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये दो ड्रग्स याद रहेंगे, एक ड्रग का नाम क्या है टेलमिसार्टन, रिड्यूसेस प्रोटीनूरिया। सेकेंड ड्रग डापाग्लिफ्लोजिन। तो फाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि शाम तक पढ़ के हाउ टेलमिसार्टन रिड्यूसेस प्रोटीन लीक, सबको एजुकेट करेंगे आप। तो ये होमवर्क है, 10 PM तक आप दे दिए, या कल तक दो, तो 10 PM तक या कल तक मॉर्निंग तक, कि हाउ टेलमिसार्टन रिड्यूसेस प्रोटीन लीक, ये मालूम होना। शिवा सर वेट कर रहे हैं उसके वास्ते। ओके, सो टू मच फॉर अ डे, और डिस्कस करेंगे इसको। थैंक यू।